खड़े खड़े ऐसे गियर चेंज कर देंगे। गियर चेंज करता हूँ तो हर चीज़ पे स्ट्रेस लगता है, चेन स्ट्रेस हो रही है कि बाइक की जो केबल्स हैं वो स्ट्रेस हो रही है, डिरेलर स्ट्रेस हो रहा है। हे गाइस, दिस इज फैट ब्रेकर वैभव। हैव यू बॉट अ न्यू बाइसाइकिल और आर यू प्लानिंग टू बाय अ बाइसाइकिल विद गियर्स? आर यू कंफ्यूज कि मुझे गियर वाली लेनी चाहिए, क्या मैं गियर आराम से यूज कर भी पाऊंगा? वेल डोंट वरी, बिकॉज इस वाली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पुलिस वाली वीडियो में आपके काफी ज्यादा डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्या मिस्टेक करते हैं लोग गियर चेंज करते हुए, किस टाइप का गियर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए? काफी लोग मुझसे पूछते हैं मैं इस जगह पे राइड कर रहा हूँ मैं कौन से गियर रखूँ, मैं व्हीली कर रहा हूँ मैं कौन से गियर रखूँ, हर चीज का आप लोगों को इस वाली वीडियो में पता लग जाएगा। ऑब्वियसली मिस्टेक्स, लोग क्या मिस्टेक करते हैं गियर वाली साइकिल में, अब हमें कौन सा गियर यूज करना है, डाउनहिल में कौन सा गियर यूज करना है। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स, लेकिन लास्ट में इस वाली वीडियो में गियर्स के रिगार्डिंग एक टिप देने वाला हूं, हो सकता है आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो। वेल, इससे पहले मैंने टॉप 10 बिगिनर मिस्टेक की एक वीडियो बनाई हुई है, दिस काइंड ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। एंड ऑब्वियसली आपको कंफ्यूजन है कि मुझे गियर वाली साइकिल लेनी है विदाउट गियर वाली साइकिल लेनी है, तो उस बारे में वीडियो में बना चुका हूं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। गियर्स वाली साइकिल में क्या होता है? किसी भी टिपिकल साइकिल में गियर्स आते हैं, जैसे आपको 21 स्पीड के बोलते हैं, 18 स्पीड के बोलते हैं, तो ये क्या होता है? 21 स्पीड का मतलब ये होता है 3 × 7 = 21, तो 3 यहाँ पर होंगे, 7 यहाँ पर होंगे। वैसे 18 का होता है 6/3, 6/3 होता है ना, मेरे मैथ सही का है मुझे पता नहीं आता। तो ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। इवन दो इस वाली साइकिल में 3/9 है, लेकिन लेट्स कंसीडर कि इसमें 3/7 है, जो कि आप सब लोगों के गियर्स आते हैं। अब लेफ्ट साइड पे होता है आपका फ्रंट के गियर्स एंड राइट साइड पे होते हैं आपके रेयर के गियर। नीचे वाली चीजों को अभी आपने इग्नोर करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है जो आपके हैंडल बार पे हैं। ये आपके गियर्स हो गए, ये आपकी ब्रेक्स हो गई। यहाँ पर एक दो और चीजें एक्स्ट्रा हैं, इन चीज को भी इग्नोर कर दो बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन सिंपल साइकिल के हिसाब से हम बात करेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके 3 गियर्स, राइट साइड पे आपके 7 गियर्स। जनरली जब भी आपको गियर चेंज करना है आपको राइट हैंड से ही करना है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका थंब से दबाने वाला, एक आता है आपका फिंगर से दबाने वाला। एक अपशिफ्ट होता है, एक डाउन शिफ्ट होता है, इट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट साइड। अगर आप इसका थंब प्रेस करेंगे तो आप गियर और बड़े बड़े स्प्रॉकेट में चले जाएंगे। जितना बड़ा स्प्रॉकेट होगा पीछे की तरफ, इसका मतलब आपकी पेडलिंग उतनी ईजी हो रही है, उतना ही फर्स्ट की साइड पर आप गियर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फिंगर प्रेस कर देते हैं तो आपके डाउन शिफ्ट होने लग जाते हैं गियर्स, जो कि 7 की तरफ जाने चले जाते हैं, एंड आपका स्प्रॉकेट छोटा छोटा हो जाता है, आपकी जो पेडलिंग होती है वो हार्ड हो जाती है, लेकिन आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप यहाँ पर थंब प्रेस करेंगे तो आपका जो स्प्रॉकेट है वो बड़ा होता है, शॉल गियर की तरह ही है, लेकिन इसमें यह फर्क आता है जैसे वो बड़ा होगा तो आपकी पेडलिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है एंड लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं आपको अभी सिंपली बता देता हूँ, अपनी साइकिल स्टैंड पे लगाइए एंड फिर अपने गियर चेंज करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। सामने अगर बड़ा है पीछे अगर छोटा है तो आप पेडलिंग कम कर रहे हैं एंड आपकी स्पीड ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अगर सामने छोटा है पीछे बड़ा है, इसका मतलब आप ज़्यादा पेडलिंग कर रहे हैं और आपकी स्पीड भी कम है लेकिन आपको पावर भी कम यूज़ होती है। तो ये चीज़ें आप जब फिजिकली देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा एंड आपके माइंड में अपना भी बिल्डअप हो जाएगा। अब काफ़ी टाइप के गियर्स आते हैं, जैसे इस वाली बाइसाइकिल में मेरा थंब शिफ्ट एंड मेरा फिंगर शिफ्ट नीचे की तरफ ही है, इवन दो ऑपरेट ऊपर से होता है। कई साइकिल्स में क्या होता है, जो फिंगर शिफ्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो थंब शिफ्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है, वो इजी फाइव शिफ्टर्स में आता है, जो कि मेनली सारी बाइसाइकिल्स में आता है। रोड टाइप पे जब ऐसे करेंगे तो आपके हायर गियर लगेंगे, मतलब 7 की साइड जाएंगे, और अब इसको ऐसे करेंगे तो अपर की साइड जाएंगे, दैट मीन्स 1 की साइड जाएंगे। ये हीरो इलेक्ट्रो के गियर्स हैं, इसमें क्या होता है ये दबाएंगे तो अपर की साइड जाएगा एंड ये दबाएंगे तो फिर 7 की साइड जाएगा। रोड बाइसाइकिल्स में आपकी जो ब्रेक्स हैं एंड जो शिफ्टर्स हैं दोनों एक साइड कंबाइंड होती हैं। बाकी आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जिस भी गियर में आप होंगे आपको यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कौन से गियर्स हमें चूज करने हैं, ये भी बाद में बताएंगे हम, बिकॉज ऐसे कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। गियर शिफ्ट करते हुए लोग क्या करते हैं, कोई भी गियर यहाँ का लेफ्ट का लगा लिया, कोई भी गियर राइट का लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप राइडिंग कर रहे हैं, आपने क्या किया, फर्स्ट गियर लगा लिया लेफ्ट साइड पे, राइट के गियर लिए और फिर करना शुरू हो गया, या राइट से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, 7 लगा दिया, 5 लगा दिया, कुछ भी गियर लगा दिया,
मुझे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वेल, आप कम्प्लीटली रॉन्ग कर रहे हैं। गियर चेंज करने का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, ये शायद मोस्ट लोगों को नहीं पता था, एंड इवन मुझे भी नहीं पता था। मैं काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग करता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था एक्चुअल में। तो मैंने दिमाग लगाया, यार ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, हो सकता है दिक्कत हो। मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो गियर वाली चेन होती है उसको आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है। अगर आप समझ लो फर्स्ट गियर के साथ पीछे का सेवंथ या लास्ट गियर लगा देते हैं तो आप देखेंगे आपकी चेन ऐसे करके टेढ़ी हो जाती है। ये आपकी चेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें आपकी चेन में स्ट्रेस आता है, वो टूट सकती है, वो ब्रेक हो सकती है, वो स्लिपिंग स्टार्ट कर सकती है, आपकी गियर्स की लाइफ भी कम हो सकती है, एंड हर डेंजरस ट्रीज आपकी साइकिल के साथ हो रही है। ऑल्सो अगर आप सामने का टॉप गियर लगा देते हैं, जैसे थर्ड गियर लगा देते हैं, एंड पीछे का फर्स्ट गियर लगा देते हैं, तब भी आपकी जो चेन है वो टेढ़ी रहेगी। जैसे मैं थ्योरेटिकली के लिए बताऊं तो फर्स्ट गियर के साथ आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पीछे का लगता है, ज्यादा से फोर्थ लग सकता है। इसमें क्या होगा, आपकी चेनों की बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आप सामने का फिर सेकंड शिफ्ट कर सकते हैं एंड पीछे का कोई भी यूज कर सकते हैं थर्ड से लेकर फोर्थ फिफ्थ तक, तो भी आपकी जो चेन है वो स्ट्रेट रहेगी। ऐसा ही लास्ट गियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सामने का थर्ड है एंड पीछे लास्ट गियर आप यूज कर सकते हैं, पीछे के फर्स्ट गियर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ लास्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे डायग्राम्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट यूसेज क्या होती है, इनकरेक्ट यूसेज क्या होती है, एंड चेन आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, जैसे मैं आपको बताया फर्स्ट के बाद 1 2 3, तो ये फिक्स नहीं होता है कि ऐसा यूज करना है, आपकी बाइसाइकिल के हिसाब से होता है। दिस ऑल्सो वन मोर मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो क्या होता है, राइडिंग करते करते गियर चेंज करना। वेल, गियर तो ऐसे चेंज होते हैं, मैं एक और बार बता देता हूँ। पावर जब आप डालते हैं तब आप गियर चेंज नहीं करते हैं। मतलब अभी जा रहे हैं, आपको पावर की नीड है, आपकी पेडलिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, अब आप चाहते हैं मैं फर्स्ट गियर में शिफ्ट करूँ, इजी गियर में शिफ्ट करूँ। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आपकी साइकिल में बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ें आएंगी गियर शिफ्टिंग की। आप लोग पूछेंगे हमें करना क्या चाहिए फिर, ऐसे ही तो गियर चेंज हो रहे हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, गियर शिफ्ट करने से पहले आपको क्या करना है, स्पीड अपनी बाइसाइकिल चलानी है। जैसे आपको लगे गियर शिफ्ट करना है, उससे पहले अपनी पेडलिंग स्लो कर देनी है, पेडल पे पावर डालना कम कर देना है। ऑल्सो कई लोगों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, खड़े खड़े ऐसे गियर चेंज करने के, बहुत गलत है ये, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें अगर आप पीछे देखेंगे ना, मैं गियर चेंज करता हूँ तो हर चीज़ पे स्ट्रेस लगता है, चेन स्ट्रेस हो रही है, कि बाइक की जो केबल्स हैं वो स्ट्रेस हो रही है, डिरेलर स्ट्रेस हो रहा है, उसका हैंगर स्ट्रेस हो रहा है। एक गियर आपने दबा दिया कोई बात नहीं, इतनी मिस्टेक नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, दबा दबा के इसका बुरा हाल कर देते हैं, उनकी फिर गियर वाली साइकिल की गियर शिफ्टिंग ही खराब हो जाती है। मूविंग में होंगे तभी गियर चेंज करने हैं, या फिर पेडलिंग के टाइम पे ही गियर चेंज करने हैं। ऑल्सो बैक पेडलिंग तो कर नहीं सकते, यूनिवर्सल रूल है, बैक पेडलिंग करेंगे आपकी चेन उतर जाएगी। एक टाइम पे बहुत सारे गियर चेंज एक साथ नहीं करने हैं, वरना ये स्टक हो जाते हैं। ये स्टक हो चुके हैं और सिर्फ एक एक करके गियर चेंज करने हैं। लेट्स सी कि हमें अपहिल जाते हुए कौन सा गियर यूज करना है एंड डाउन जाते हुए कौन सा गियर यूज करना है। अब जैसे आप अपहिल जा रहे हैं, अगर आप डिफिकल्ट गियर यूज कर रहे हैं, जैसे सामने का सेकंड कर दिया है एंड पीछे का भी अराउंड 5 या 6 के आसपास करा हुआ है, तो इसमें है थोड़ा सा हार्ड हो जाती पेडलिंग। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं कि फुल पेडल मार के राइडिंग कर सकते हैं, हाँ मार ले शॉट, फुल पेडल मार के राइडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको जान ज्यादा लगेगी, आपको चेन पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेस आएगा, गियर्स में भी स्ट्रेस आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, गियर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने चेंज कर दिया, देन इसको मैंने रख दिया 1 सामने, पीछे रख दिया मैंने 3। इससे क्या होगा, आपकी केडेंस हाई रहेगी, आपकी चेन पे भी स्ट्रेस कम रहेगा। इवन तो आप पेडलिंग बहुत ज्यादा तेज करेंगे, इतनी तेज भी नहीं करनी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इजी रहेगा, उससे चेन पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा, गियर पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि बॉडी पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस पड़े, लेकिन जितनी आप हाई केडेंस रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, होपफुली। हो सकता है आपने एक गोल्ड चेन भी नोटिस करी हो मेरी। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लेट मी टेक यू क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन, ओमन प्रीत, इफ यू आस्क अदर पीपल अबाउट फैट बाइक, they will say it is very hard to pedal and stunts are impossible on it. But if you ask Fatback about fat bikes, he will say it's a dab stunt machine. Well, for sure. कई लोगों को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, फैट बाइक से। ये नॉर्मल बाइक ही तो है, मैं इतने आराम से इस पे स्टंट कर सकता हूँ। इवन तो फैट बाइक पे डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है, लेकिन बोलना पड़ता है। तो ये कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। डू यू नो व्हाट, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना इसको राइड करके, कोई भी चीज इससे कम्पीट नहीं कर सकती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्षत भैल, आई हैड इन्वेस्टेड 1 वीक टू रेक्टिफाई योर हाउस बट स्टिल कुडंट फाइंड इट, बट आई विल ट्राई, आई लिव इन रोहिणी।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने घर के आसपास 5 किलोमीटर तक कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, घर के बार बार अलग चीज है। ये भी जो जगह है ना वो मेरे घर के पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं जान के दूर आता हूँ, लोगों को लगता है मैं यहाँ पे रहता हूँ एंड फिर लोग मुझे यहाँ पे फाइंड करते हैं। एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ, मैं यहाँ रहता भी नहीं, वो शायद लोगों को दिख रहा होगा क्या चीज है, लोग उसको पहचान के सोचते हैं मैं यहाँ पे रहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स ऑल्सो सी कि पुराने वाली वीडियो में फर्स्ट कमेंट किसका है, काफी लोगों ने फर्स्ट लिखा हुआ है, टेक्निकल ग्रुप नाम का बंदा है, इसके तो लाइक्स भी काफी ज्यादा आ चुके थे, 8 लाइक्स आ पड़े हैं। लेट्स सी फर्स्ट कमेंट किसका आया, दैट इज फ्रॉम सर्वेश दहल एंड द लास्ट क्वेश्चन लेट मी टेक इट फ्रॉम इंस्टाग्राम। हाय वायो सर, इन वन ऑफ योर वीडियो वेयर यू गो टू संजय वन एट नाइट, यू फाउंड समवन, आई टुक अ स्क्रीनशॉट एंड इंक्रीज द आईएसओ रेट एंड आई फाउंड समथिंग क्रीपी। भाई उस दिन मेरी इतनी हालत टाइट नहीं हुई थी, जब मैं घर आया था ना मेरी ज्यादा हालत टाइट थी। फुटेज देख रहा था कौन था ये बंदा एंड जान निकल गई थी। अगर आपने भी नोटिस किया तो मुझे प्लीज चेक करना उस चीज में, क्या सच में उसकी 3 लेग्स थी, क्या थी वो चीज। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी टिपिकल साइकिल में वीडियो ऑन है, हाँ ऑन है। इसी क्या होगा, पेडलिंग में बहुत ज्यादा तेज करेंगे, जान के कर रहा है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। अगर कुछ फ्रेंड्स हैं वो गे सीख से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साइनिंग ऑफ।